हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड आउट करेंगे हिमाचल प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास का पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसमें हम छोटे छोटे 5 क्वेश्चन ही लेकर के आ रहे हैं पर डे। तो ये आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें 9 मार्च 1844 को सिखों ने अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में क्या दिया। ठीक है, जब अंग्रेजों का और सिखों का जो युद्ध हुआ था, युद्ध होने के बाद उन्हें जो नुकसान के रूप में सिखों ने, ठीक है, अंग्रेजों को युद्ध की क्षति के रूप में क्या दिया था, क्योंकि वो लगभग 1.5 करोड़, जो मैं पिछले कल किस वीडियो में आपको बता रहा था, 1.5 करोड़ का लगभग नुकसान हुआ था इनको, सिखों को। तो उसके रूप में उन्होंने जो इधर ब्यास नदी और सतलुज नदी, ठीक है, इन दो नदियों के बीच का जो एरिया था, ठीक है, वो उन्होंने अंग्रेजों को दिया था। ये आपका कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंफर्म हो गया। ये हुआ था 9 मार्च 1844 को। ये संधि जो है, लाहौर की संधि, याद रखना, लाहौर की संधि जो हुई थी, ठीक है, तो उसके बिहा पर ये चीज़ें जो थी वो सिखों ने अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सन 1770 ईस्वी में राजा घमंड चंद को नजराना देने के लिए किसने विवश किया। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त राजा थे और ये कहलूर के राजा थे, राजा घमंड चंद। ठीक है, तो इन्हें नजराना देने के लिए, एक तरह से कर देने के लिए किसने विवश किया था। ये जस्सा सिंह रामगढ़िया ने विवश किया था। ठीक है, तो ये अपना विस्तार कर रहे थे, तो उस टाइम जो है जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इन्हें, जो कि एक सिख थे, ठीक है, तो ये लगभग पहले सिख थे जो हिमाचल के ऊपर इन्हें अपना आधिपत्य जमा के रखा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन में भी क्लियर हो गया होगा, ये याद रखना, राजा घमंड चंद। ठीक है, राजा घमंड चंद कहाँ के राजा थे, आप इनको याद रख सकते हैं, गहलोर के राजा थे, गहलोर बिलासपुर के। ठीक है, राजा घमंड चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया। ये हम पिछले कल भी रीड आउट किए हुए, लेकिन एक बार दोबारा से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में काउंट होते हैं। ठीक है, बहुत बार आए हुए ये क्वेश्चन। तो बिलासपुर मतलब कहलूर के किस राजा ने, कौन सा राजा था जिसने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध, ठीक है, संसार चंद, राजा संसार चंद ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, तो वो अपनी सहायता के लिए उनने गोरखाओं को बुलाया था। ठीक है, उसने निमंत्रण दिया था, उसका नाम था राजा महानचंद। ठीक है, तो ये घमनचंद के बाद राजा महानचंद ही केलूर के राजा हुए थे। तो इनने जो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं, अमर सिंह थापा जो थे, उन्हें जैसे कुछ स्पेसिफिक पूछा जाए तो किन्हें इन्वाइट किया था, तो ये अमर सिंह थापा को इन्वाइट किया हुआ था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कौन सी संधि शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखों की रवानगी और अंग्रेजों के आगमन का संकेत देती है। ठीक है, कौन सी संधि, ये शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजनीतिक पटल से गोरखा जो है वो वापस चले गए और अंग्रेज उसके बाद एंटर कर गए, तो ये कौन सी संधि थी। ये सुगोली की संधि हुई थी। कब हुई थी, 28 नवंबर 1815 में। ठीक है, गोरखाओं का लगभग 1805 से 1800 एक मिनट 1805 से लेकर के 1815 तक हिमाचल में आधिपत्य रहा अपना। ठीक है, 1805 में ये जैसे सहायता के लिए जो महानचंद गहलोर के राजा ने इन्हें इनवाइट किया था अपनी सहायता के लिए, उसके बाद उन्होंने अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वन बाय वन जो है वो जितनी रियासतें थी उनको
हथियाते रहे, मतलब कब्जा करते रहे, ठीक है। बाद में जब वो 1815 में क्या किया था कि गोली की जो संधि हुई थी उसके बिहाव पर ये गोरखा जो है वापस चले गए थे, और जो अंग्रेज़ थे वो धीरे धीरे फिर एंटर करने लग गए थे, क्योंकि फिर गोरखाओं से बचने के लिए क्या किया था राजाओं ने, अंग्रेज़ों को इनवाइट कर दिया था, ठीक है। तो फिर इस तरह से फिर अंग्रेज़ जो है राजाओं के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने लग गए। तो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 1805 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को किस स्थान पर हराया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। कि अब राजा संसार चंद जो कांगड़ा का राजा था, ठीक है, इसको हराया था ये तो ठीक है, लेकिन कहाँ पर हराया था, ये महल मौर्य एक जगह आती है तो वहाँ पर हराया हुआ था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आता है। और ये अमर सिंह थापा गोरखाओं का जो कमांडर था, गोरखा कमांडर जो था, ठीक है। तो इसने ऐसे भी आप याद ही रख सकते हैं कि थापा, थापा जो है गोरखाओं को ही मोस्टली अभी भी बोला जाता है, ठीक है। इनका सरनेम आता है गोरखाओं का। तो ये नेपाल से थे। तो अमर सिंह थापा जो थे वो गोरखा कमांडर थे, इनने क्या किया था, संसार चंद जो कांगड़ा के राजा थे तो उनको हराया था। कहाँ पर हराया था, महल मौर्य में, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, ठीक है गाइज। थैंक यू। पहली बार अगर मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है।